दोस्तों IQ अपना न्यू स्मार्टफोन IQ G9S Pro 5G को इंडियन मार्केट में 21 अगस्त को लॉन्च करने वाला है और लॉन्चिंग से पहले इस फोन का सारा डिटेल्स बाहर निकल के आ चुका है। इसका प्राइस भी लीक हो गया है। इस वीडियो में इस फोन के कन्फर्म और फाइनल डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फोन कितने प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होगा, कार डिस्काउंट के बाद ये फोन आपको कितने मिलेगा और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इसका प्राइस कितना हो सकता है ये भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में IQ G9S Pro के बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए, ये फ़ोन लुक वाइज कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड से फ़ोन लुक में बढ़िया रहेगा। इस फ़ोन के बैक साइड पे वीगन लेदर का बैक रहेगा, फ्रेम प्लास्टिक का होगा और इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा और एक ऑरा लाइट मिलेगा। और इस फ़ोन का एक और वेरियंट होगा, उसमें मार्बल टाइप का डिज़ाइन रहने वाला है और फ़ोन फ्रंट साइड से कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंच होल वाला होगा, जहाँ साइड का बेजल चिन्ह बहुत कम रहेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन डिज़ाइन में बहुत अच्छा होगा और फ़ोन इन हैंड फील में भी बढ़िया होगा। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंच होल वाला कर्व डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा और इसमें 4500 निट तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। देखिए, डिस्प्ले में फ़ोन बेस्ट होने वाला है प्राइस के हिसाब से। और जब आप इस फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको एकदम स्मूथ लगेगा। स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, ऐप ओपन क्लोज में, ये सब में एकदम मस्त होगा। नॉर्मल यूज में परफेक्ट होने वाला है और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में तो खैर बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई 4K वीडियो प्ले करेंगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। फोन डिस्प्ले में आपको 100% सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फेब्रिकेशन पर बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका NT2 स्कोर 8 लाख से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देखिए, फोन परफॉर्मेंस में अच्छा होगा। जब आप इस फोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई सेटिंग पे आपको दिक्कत हो सकता है और इस फोन में आप मैक्सिमम 60 FPS तक का गेमिंग कर पाएंगे। 60 FPS से ज़्यादा का उम्मीद मत कीजिएगा और ये फोन एक नॉर्मल यूजर के लिए और ज़्यादा बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन प्रोसेसर में ठीक ठाक रहने वाला है। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फोन LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। और जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या कोई एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करेंगे या एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। और आपको बताते चले कि कुछ लीक्स में कहा जा रहा है कि इसमें LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा, तो स्टोरेज और रैम टाइप को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा है। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फोन रियर साइड से ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां मेन कैमरा 50 MP का होगा, जहां OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का IMX882 का सेंसर मिलेगा और 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा और 2 MP का एक छोटू रहेगा। सेल्फी में 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा और इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। देखिए, फोन का कैमरा सेटअप बढ़िया रहेगा और जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो क्वालिटी मस्त निकाल के देगा। कलर को अच्छे से बैलेंस करेगा, डिटेलिंग को मेंटेन रखेगा, लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, पोर्ट्रेट शॉट्स भी बढ़िया निकाल के देगा, सेल्फी फोटो भी अच्छा आएगा। कुल मिलाकर के देखिएगा ना तो प्राइस के हिसाब से फोन कैमरा में भी बेस्ट होगा और आप लोगों को सेटिस्फाइड भी करने वाला है। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो ये फोन 5500 mAh बैटरी के साथ आएगा, जहां 80 W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी रहेगा तो फोन बैटरी में बेस्ट होगा। और इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा तो फोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बहुत बढ़िया होगा। और ये फोन IP64 रेटिंग के भी साथ आएगा तो फोन IP रेटिंग में भी बहुत अच्छा होगा और बारिश और डस्ट को भी आराम से झेल सकता है। और ये फोन 5G कनेक्टिविटी के भी साथ आएगा, इंडिया के सारे इंपोर्टेंट ब्रांड का सपोर्ट इसमें मिलेगा और 5G कनेक्टिविटी में फोन बेस्ट होगा, स्पीड भी बहुत अच्छा देगा। और इस फोन में 2 इंपोर्टेंट AI फीचर भी मिलेगा। एक फीचर होगा जिसमें आप कोई फोटो के क्वालिटी को AI के थ्रू इंप्रूव कर पाएंगे, दूसरा फीचर होगा जिसमें आप किसी फोटो से अनवांटेड पार्ट को AI के थ्रू एक क्लिक में रिमूव कर पाएंगे। ये दोनों इंपोर्टेंट फीचर इसमें मिलने वाला है। और ये फोन फनटच OS 14 पर रन करेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। इसमें 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों, यही सब पूरा डिटेल्स था ये IQ G9S Pro से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल से तो देखे साफ क्लियर है कि फोन लगभग सारे चीज़ों में बढ़िया होने वाला है। वहीं इस फोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों, लीक्स में कहा जा रहा है कि ये फोन इंडियन मार्केट में 25,000 से कम के प्राइस पे लॉन्च होगा और ये फोन कार्ड डिस्काउंट के बाद 22,999 रुपया में आपको मिलने वाला है। और आप अगर थोड़ा सा वेट कीजिएगा अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का, तो उस सेल में ये फोन आपको 20,999 रुपया में मिलने वाला है, ऐसा लीक्स में कहा जा रहा है। और इस फोन
को आप अगर Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बाय करेंगे तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इस फ़ोन को लेकर आप सीरियस से लेना चाहते हैं, हड़बड़ाहट नहीं है फ़ोन लेने का, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी न्यू अपडेट आया था IQ G9S Pro से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।